नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह दिया कि हम ऐसी प्लान और स्ट्रेटेजी बनाने वाले हैं कि इंडिया को हम पीछे कर देंगे। जिस तरह से इंडिया डेवलप कर रहा है ना, इंडिया को भी हम पीछे कर देंगे। और हाल में इन्होंने बोलते हैं ना, रॉ के ऊपर भी उंगलियां उठाई थी। बोलते हैं कि जो पाकिस्तान में जो टारगेटेड किलिंग हो रही है और जो बोलते हैं ना कनाडा में हो रहा है, सब यूएसए में जो हो रहा है, उसके पीछे रॉ का हाथ है। तो चलिए भाई, इनके बारे में थोड़ा से बातें कर लेते हैं। ये तो ऐसी स्ट्रेटेजी, ऐसी इनके पास ऐसी सी प्लान है, तो चाइना को भी पीछे कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए, इनके यहाँ पे एक छोटा सा स्कैम हुआ है, छोटा सा स्कैम हुआ है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जिसे नाम दिया गया क्या, पाकिस्तान वीट इंपोर्ट स्कैम। एक और घोटाले के बीच फंसा पाकिस्तान, सड़कों पर उतरने के लिए हुए मजबूर। कौन भाई साहब? किसान। चलिए पूरे डिटेल में जानते हैं कि भाई साहब ये एक्चुअल में हुआ क्या है। तो आप बोलोगे कि सर ये मतलब शहबाज शरीफ ने किया है स्कैम? नहीं, इन्होंने किया है, इन्होंने किया। इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से बात करेंगे। ये स्कैम जो भाई हुआ है ना, इम्पोर्ट स्कैम जो हुआ है वीट का, ये इन्होंने किया है, इन्होंने करवाया है, वो बात अलग है। चलिए उसके बारे में हम डिटेल में जानकारी लेंगे। चलिए इसको समझ लेते हैं कि एक्चुअल में, बोलते हैं ना, इस डायग्राम से समझ लेते हैं कि एक्चुअल में वो स्कैम हुआ क्या है। सपोज दैट कंसिडर करिए कि ये कोई गांव है, उस गांव के अंदर सपोज दैट कितना मैं घर पकड़ लेता हूँ, 3 घर है, और उसमें कितने लोग रहते हैं, अप्रोक्सीमेटली मैंने पकड़ लिया कि 50 लोग रहते हैं। और पूरे साल भर में सपोज दैट ऐसा मान करके चलो कि 1000 केजी, अरे 1000 केजी क्या लगता है आप लोगों को, गेहूं लगता है वहां पे। वीट कितना लगता है? 1000 केजी क्या लगता है? वीट लगता है। घर कितने हैं? 3। कितने लोग हैं? 50 लोग। और बोलते हैं ना पूरे साल भर में ना 1000 केजी बोलते हैं ना गेहूं खा जाते हैं। अब उसके लिए भैया बोलते हैं ना, राजा जी ने एक स्कीम बना करके रख लिया है। अब राजा जी ने क्या बोला कि हमारे ही गांव के क्या है, ये सब फार्मर्स हैं, सुंदर सुंदर फार्मर्स लोग हैं, ये लोग क्या करेंगे, जो गेहूं उगाते हैं उस 700 केजी में क्या करूंगा, इनसे खरीदूंगा। और 500 केजी जो बोलते हैं ना गेहूं जो हमको कम पड़ रहा है, मतलब इनको चाहिए कितना, 1000 केजी एटलीस्ट चाहिए चाहिए। तो बोलते हैं बाकी हम 500 खरीदेंगे किससे, हमारे पड़ोसी गांव से। और टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, 1200 तक का, बोलते हैं ना नियर अबाउट 1000 से 2000 केजी तक का हम गेहूं का स्टॉक रखेंगे। तो जिस तरह से हमारा पूरा रोटेशन एकदम अच्छे से चलते रहेगा। तो यहां तक तो कोई सुनी था, अच्छी बात, एकदम अच्छा खासा चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया, राजा की वाइफ ने बोला, ओए जी राजा हो तुम, हमेशा राजागिरी करते हो, हमको भी थोड़ा सा राजा बनने का मौका दो, थोड़ा सा हम भी राजा रानी बनना चाहते हैं और राजा की तरह काम करना चाहते हैं। तो राजा ने बोला ठीक है, बन जा भाई। अब राजा को हटा गया और रानी वहां पे बैठ गए। अब रानी ने क्या किया, रानी ने देखा कि किस चीज की जरूरत पड़ रही है भाई साहब। पता चला कि भाई गेहूं, गेहूं की जरूरत पड़ती है। तो उन्हें पता चला कि गांव के पड़ोस वाले गांव में गेहूं एकदम सस्ता मिल रहा है। तो उन्होंने क्या किया, 8000 केजी सीधा गेहूं खरीद लिया। क्यों? सस्ता मिल रहा है तो खरीद लो। तो 8000 केजी उन्होंने क्या किया, अपने सैनिकों को बोला जाओ गेहूं खरीद के लेके आ जाओ। अब 8000 गेहूं खरीद करके इनके पास स्टॉक में हो चुका। अब किसान ने जो गेहूं उगाया, अब भाई साहब इन्होंने बोला कि नहीं, हमारे पास तो ऑलरेडी 8000 केजी है, हमको नहीं चाहिए। बहुत ज्यादा फोर्स किया इन लोगों ने तो 100 केजी खरीद लिए। अब इनके पास जो 600 केजी का जो गेहूं बच गया है, अब ये बेचारे लोग उसका क्या करेंगे। वही हुआ है पाकिस्तान के साथ में। अब ये जो इनके पास 6 केजी जो बोलते हैं ना, 600 केजी का जो बोलते हैं ना गेहूं बचा हुआ है, अब वो क्या करेंगे भाई साहब, उसकी प्राइस एकदम सडनली क्या होने वाली, ड्रॉप होने वाली। या तो तुम उसको सस्ते में बेचो या फेंको या कुछ खाओ, लेकिन गवर्नमेंट तो उसको बोलते हैं ना खरीदने वाली नहीं है। यही स्कैम हुआ है। अब उसमें फायदा कैसे हुआ भाई साहब, इन्होंने कुछ कंपनियों को बोला खरीदो खरीदो खरीदो। अब क्यों खरीदो खरीदो, उसको भी आगे समझते हैं, डिटेल में चलते हैं। चलिए पहले समझते हैं कि पूरे पाकिस्तान की कहानी को। अब पाकिस्तान में क्या है, 23.5 करोड़ लोग हैं। अब इसमें कितना, 3 करोड़ मैट्रिक टन की क्या होती है, गेहूं की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब 2022 में बाढ़ आई तो उसकी वजह से क्या हो गया, 2.62 क्या हो गया, करोड़ मैट्रिक टन ही गेहूं की क्या हुई, उपज हुई। इसकी वजह से आपने सुना होगा कि आटे के भाव बढ़ गए थे, बहुत लोग लंबी लंबी कतारें लगा करके आटे ले रहे थे। इन कतारों में आपने सुना होगा कुछ बेचारे लोगों की जान चली गई, तो बहुत ही मतलब दुख वाली बात थी। तो आप इस तरह से देखते हो, बेचारे लोग इस तरह से लाइन लगा करके क्या कर रहे थे, आटा खरीदने के जा रहे थे। देखो भाई, पाकिस्तान के लोगों से प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान में जो लोग बोलते हैं ना सेना में है, जो पॉलिटिशियन है, जो भारत के खिलाफ उल्टा पुल्टा बोलते हैं ना, उनसे मेरे को प्रॉब्लम है। नॉर्मल लोगों से क्या प्रॉब्लम, अपने लोग हैं ना भाई।
अब बेचारे लोग बोलते नहीं तो तकलीफ में क्या करते थे, सब आटा वाटा खरीदे। अब अपने यहाँ के कुछ बोलते हैं ना नेता ही लोग, उनका ही सुन लो, जैसे फारूक अब्दुल्ला, वो क्या बोलते हैं, राजनाथ सिंह ने क्या बोला कि हमको पीओके पे बोलते हैं ना कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, एक दिन ऐसी खुद आवाज आएगी कि पीओके खुद बोलेगा कि हमको भारत में शामिल होना है। तो उस पर फारूक अब्दुल्ला क्या बोलते हैं, पाकिस्तान ने क्या कोई चूड़ी पहन के रखी है, उसके पास एटम बम है, वो हमारे ऊपर फेंक देगा, ये कर देगा, मतलब उनको पाकिस्तान से ज्यादा ही प्यार है। मैं तो बोलता ना कि फारूक अब्दुल्ला की तेरी लाइन में लगा के खड़ा कर दो भाई, तुम भी चले जाओ, जाओ लाइन लगा लो आटे के लिए। चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अब क्या हुआ कि शहबाज शरीफ ने बोला कि जब भाई उस टाइम पे बोलते हैं ना, जब बाढ़ आ गई, जब बोलते हैं ना आटे का प्रॉब्लम चलने लगा, तो शहबाज शरीफ की जो सरकार ने, उसने डिसाइड किया कि अब हम 2023 में क्या करेंगे, गेहूं क्या करेंगे, इम्पोर्ट करने की इजाजत दे दी। तो उसमें क्या हो गया, 2023 और 24 के बीच में बोलते हैं ना 35 लाख टन तक का क्या हुआ, गेहूं क्या हो गया, आयात किया गया, इम्पोर्ट किया गया। अब यहां से मामला क्या हो गया, गड़बड़ा गया। अब एक चीज तो जैसे बताया था ना कि रानी ने जरूरत से ज्यादा बोलते हैं ना, यहाँ पे आपको बताया मैंने जरूरत कितना खरीदना चाहिए था, कितना, 500 kg तक का बाहर से, और रानी ने खरीद कितना लिया था, 8,000 kg। उसी तरह से बोलते हैं ना, ये जो केयर टेकर पीएम थे, इन्होंने बोला जिसको जो खरीदना है खरीदो, हम हैं, बस हमारा साइड से हमारे घर पहुंचा देना। तो अब क्या हो गया भाई कि बोलते हैं ना जितनी भी कंपनियां थी, सबने क्या किया, दम भर भर करके क्या किया, विदेशों से चावल गेहूं खरीद लिए और स्टॉक बना करके रख दिया भाई साहब। अब जब जरूरत से ज्यादा बोलते हैं, जब सरकार के पास ऑलरेडी बोलते हैं ना गेहूं है, वो किसानों से क्यों खरीदेगी। अब क्या हुआ कि सरकार के पास तो बोलते हैं ना 43 लाख मैट्रिक टन का तो गेहूं पहले से स्टॉक में था। अब इस बार क्या हुआ भैया कि अच्छी खासी फसल हुई, तो कम से कम 20% तक तो सरकार क्या करती थी, एकदम फिक्स प्राइस पे खरीदती थी। तो लोगों को लगा कि भैया 56 लाख टन तक क्या करेगी सरकार, खरीदेगी। लेकिन अब सरकार बोलती है हमको 20 लाख टन ही चाहिए गेहूं चाहिए, मतलब हो गया स्कैम। और जब सरकार के पास बोलते हैं ना, सरकार ने एकदम सस्ते प्राइस में बाहर से जब खरीद लिया, तो सरकार क्या करेगी, अब क्या करो तुम, बोलते हैं ना अपने गेहूं को भाई साहब जो करना है करो, सस्ते दाम में बेचना है सस्ते दाम में बेचो, खाना है तो खाओ, नहीं तो फेंक दो। अब भाई साहब ये दोनों भाई लोग बैठ करके टेंशन में आ गए। पहले तो इन्होंने कोशिश की है कि जो बोलते हैं ना किसान जो रोड पर आ गए थे, नारे लगा रहे थे इन दोनों के खिलाफ, तो पहले इन दोनों ने सोचा कि चलो पुलिस से बोल करके भगवाते, तो पहले जब लाठीचार्ज करवाई बेचारे, फिर भी किसान नहीं भागे। तब दोनों भाई एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, जोर से बोल सुनाई नहीं दे रहा, कान में कुछ तो घुस गया है, ये बोल रहे हैं क्या करें। तो इन्होंने बोला इंक्वायरी करवाते, तो ये बोलते नहीं करवा सकते। तो बोलते क्यों, बोलते जो अपना केयर टेकर था उसको तो हम ही रखे थे ना, अगर वो फंसेगा तो हम भी फंस जाएंगे।